बांध ली। घरेलू सही, लेकिन है तो बम। अगर ये बम फट जाता तो काफी बड़ा नुकसान कर सकता था, पूरे का पूरा घर उड़ जाता, लोगों के चिथड़े उड़ जाते। लाइव बम था, टाइमर पर था। अगर टाइमर पे होता तो थोड़ा आसान होता डिफ्यूज करने में। जिस तादाद में इसमें बारूद मौजूद था वो दिवाली के पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है। दिवाली पटाखों के बारूद से इतना बड़ा धमाका होता? बहुत बड़ा धमाका होता। लगता है हमारे हाथ में सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, शायद इन लोगों का इरादा और बहुत से लोगों को मारने का था। मंटी करतार, सोमपुर नूतन कला देवानी सराहीगंज का भी चप्पा चप्पा छान मारो। सिमरन आर्या, सचिन वर्मा, जितेंद्र राणा, ये तीनों के तीनों हमें कस्टडी में चाहिए जल्द से जल्द। अभी बॉम्ब का भी मामला जुड़ गया। सूरज चांदनी, वो बॉम्ब तुम लोगों की जान ले सकता था। वैसे इस बॉम्ब का निशाना कौन था? निशाना कोई और था या निशाना तुम लोग थे? सिमरन से कोई दुश्मनी, कोई इतिहास? कैसा इतिहास सर, अगर आपका इशारा कुछ अफेयर की तरफ है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सिमरन और मैं सिर्फ दोस्त थे कॉलेज के, उसके बाद तो मेरा उससे टच भी नहीं रहा था। हाँ सिर्फ इतना पता लगता था कि उसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और देहरादून में सेटल हो गई है वगैरह वगैरह। पूजा, सिमरन की बहन, उसे तो जानते होगे? जानता था, लेकिन उससे भी मेरा कोई टच नहीं था। उसके बारे में भी यही मालूम पड़ा था कि उसकी शादी हो गई है और वो कहीं अर्जुन संधू के नाम से किसी के साथ और हरिद्वार में सेटल हुई है। मैं एक बात बताऊं, तुम सिमरन को कॉलेज के दिनों से जानते हो, ये सिमरन चीज क्या है? अच्छे घर की लड़की दो दो कत्ल में शामिल होती है और फिर सचिन वर्मा जैसे हिस्ट्री शीटर के साथ अफेयर करती, और अब ये बम बम। किन लोगों से मिली हुई है? सर आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सिमरन का हम लोगों के साथ रोज का उठना बैठना। देखिए सर, मेरे हस्बैंड को जो भी पता था वो आपको बता चुके हैं। मुझे सच में नहीं पता कि सिमरन ने ऐसा क्यों किया। सिमरन क्या कर सकती है, इसका नमूना भी देखा आपके घर पर, और वो आगे भी बहुत कुछ खतरनाक कर सकती, और हमें उसे किसी भी सूरत में रोकना। नहीं राजेश, एड्रेस नहीं हरिद्वार वाला, सिर्फ इतना पता है कि शादी के पहले उसका नाम पूजा आ रहा था, शादी करके हरिद्वार में सेटल हुई। शादी के बाद का नाम पूजा अर्जुन संधू है। राजेश जो बन पड़े करो, ये पूजा जल्दी ट्रेस होनी चाहिए। हमारे पास लड़की का नाम है पूजा संधू और उसके पति का नाम है अर्जुन संधू, थोड़ा सा वक्त दो, ढूंढ निकालते हैं। राजेश हम समय से पीछे चल रहे हैं, बॉम्ब की घड़ी से मुकाबला है हमारा। अब इससे पहले कि कोई बॉम्ब फटकर तबाही मचा दे, इस पूजा की बहन सिमरन आर्या को कस्टडी में लेना है। मैडम मुझे नहीं पता जितेंद्र कहाँ है, बल्कि एक साल पहले तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो भागे किसके साथ है। मैडम जितेंद्र 2014 से गायब है। और मैडम जितेंद्र क्यों मारे गए इनके पापा को, उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है जितेंद्र की? यही तो पता कर रहे हैं रुक्मणी जी, ये भी एक संभावना है कि ये सचिन और सिमरन जितेंद्र राणा के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैडम इस संभावना को तो आप कैंसिल ही कर दीजिए। और ये दिनेश जी सठिया गए हैं, बिक गए हैं, जो मेरे बाबूजी पे इतना भद्दा आरोप लगा रहे हैं ये। और नहीं तो क्या मैडम, मेरे बाबूजी ने खुद मुझे उस औरत के बारे में पता करके बताया था, और आप लोग ये दिनेश जी की बात मान रहे कि वो उस औरत को छत पे ले जाके ना जा रहे? तुम लोगों का अपने पिता के चरित्र का बचाव करना स्वाभाविक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए उन जानों का बचाव करना जो कभी भी जा सकती है इन तीनों की वजह से। वो औरत सिमरन अपने दोस्त के घर पर बॉम्ब छोड़ गई थी जिससे कई लाशें बिछ सकती थी। जब तक हम सिमरन, सचिन या फिर जितेंद्र राणा को नहीं धर लेते हमें पता नहीं चलेगा कि उनका अगला प्लान क्या है। कहीं एक नया बॉम्ब तो नहीं बना रहे वो, कहीं आप लोग तो उनके निशाने पर नहीं हो? जो आदमी मुझे छोड़कर चला गया उसकी जानकारी मैं क्यों रखती और कैसे? ऐसा कोई है जो सचिन के बारे में हमें बता सकता है? उन तक हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। आपका सचिन और वो सिमरन दोनों खून के प्यासे हो गए, दो मर्डर कर चुके हैं और अब तो बम भी बनाया उन्होंने। न जाने इस बार कौन उनके निशाने पर है, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए बम बनाया उन्होंने। सिमरन सचिन वर्मा के साथ भागी है तो मुझे मालूम था साहब, लेकिन कहाँ गई कुछ मालूम नहीं। और ये जितेंद्र राणा का नाम तो मैं आप लोगों के मुंह से ही पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन साहब मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं, सिमरन ने बम बनाया। सिमरन ऊंची चीज है साहब, ये तो मुझे उससे शादी करके ही पता चल गया था, लेकिन वो इस हद तक जा सकती है? सब कॉलेज में भी सिमरन सबसे अलग थी, अपनी मर्जी के मालिक, हर बात पर बगावत, जिद। उसे दोस्ती करना आसान नहीं था सर, लेकिन सर कुछ तो बात थी उसमें जो सबको उसकी तरफ आकर्षित करते थे, मानो जैसे कोई चुंबक हो जिसपे दर्जनों लोहे की किले चिपक जाते हैं। सिमरन ने जो बम रखा था ना तुम्हारे घर पर, उसमें दर्जनों नहीं
हजारों किले थी, ब्लास्ट होता ना तो वो सारी किले तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के अंदर होती, या फिर वहां जहां वो ब्लास्ट होता। मामला समझते तुम कितना सीरियस है ये? समझ रहा हूं सर, लेकिन सिमरन को नहीं समझ पा रहा। ये मर्डर में शामिल, मेरे घर में बॉम्ब रखना, ये कर क्या रही है सिमरन? सिमरन जब मिलेगी ना तब पूछ लेंगे उससे, फिलहाल उसकी स्टोरी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इस वक्त हमारे लिए अहम है उसे रोकना। घर तो पिछले एक साल से बंद है। पूजा आई थी हरिद्वार से अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए। पूजा का हरिद्वार का एड्रेस है क्या? नहीं बेटा, वो तो नहीं। सिमरन का कोई पता? सिमरन का पता तो खुद पुरुषोत्तम जी भी नहीं बता पाते। सिमरन मानो एक बहती नदी है, बस बहती रहती है, कहीं रुकती ही नहीं। कब कौन सा मोड़ लेगी ये कोई नहीं बता सकता। देखिए खुद से तुझे यहाँ लाई हूँ, इसलिए इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहना कि तेरा मुझ पर कोई हक शक बनता है। वैसे शक्ल बॉडी बुरी नहीं है तेरी, गुड लक अच्छा है तेरा। आज दिल तुझ पर आ गया, लेकिन फ्लाइट वहीं तक है, उसके आगे ना उड़ियो। मुझे ना रोज एक ही एयरप्लेन से टेक ऑफ करना बड़ा बोरिंग लगता है। एक सख्त प्रिंसिपल थे पुरुषोत्तम जी, पर उनकी अपनी ही बेटी काबू में नहीं थी, किसी नियम को मानती ही नहीं थी। इसीलिए हर तीसरे दिन किसी ना किसी चौथे लड़के के साथ उसका नाम जुड़ता। उनमें से एक ऐसा जला कि सिमरन की अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी। फिर जो बवाल मचा वो पूछो मत। बेचारे पुरुषोत्तम जी टूट से गए, फिर किसी तरह किसी रिश्तेदार की मदद से सिमरन का ब्याह करके उसको यहाँ से पार्सल कर दिया, सीधे सराहीगंज। लेकिन वहां से भी तो भाग गई सचिन वर्मा के साथ, और फिर वापस भी आई थी दो बच्चों के साथ। हाँ याद आया, लेकिन पुरुषोत्तम जी ने बड़े भारी मन से उसे पना दी थी। फिर क्या हुआ, फिर भाग गई? जितेंद्र राणा के साथ। पुरुषोत्तम जी तो मानो उसके बाद बिल्कुल बिखर से गए थे। सिमरन ने बच्चों को अपने पति लक्ष्मण के साथ भेज दिया, खुद नहीं गई वो? अरे मैंने सवाल किया तो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ी, मुझे ही सुना दिया। ये सिमरन को हो क्या गया है? मेरी क्या गलती रही, क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, मेरी औलाद ही मुझे सबसे ज्यादा दुख दे रही। मैंने लक्ष्मण से अलग से बात की थी, वो तुम्हें माफ करके अपनाने को तैयार था, क्यों नहीं कि उसके साथ सिमरन, वो अच्छा आदमी है। अच्छा तो ये पालक भी है पापा, ताजा सस्ता सुंदर टिकाऊ, लेकिन इसे रोज खाएंगे आप दिन में चार बार? पालक के पराठे, पालक का साग, रायता भी पालक का, और फिर पकौड़े भी वही। तुम आखिर जिंदगी में चाहती क्या हो सिमरन, क्या ढूंढ रही हो तुम? कोई मुझे ढूंढने का मौका तो देता पापा, ऐसे ही लक्ष्मण के गले बांध दिया। अरे उस फोटो लीक करने वाले कमी ने मोंटी को जेल भेजने की बजाय मुझे सजा दी, अब पूरी लाइफ पालक खाओगी तुम दिन में चार बार। मुझसे घिन जो आती है आपको, एक और रात झेल लीजिए प्रिंसिपल साहब, कल सुबह होते ही निकल रही हूँ यहाँ से। अब कहाँ जाने वाले हो तुम? मुझे नहीं पता, और पता होता भी तो अब मैं वो 21 साल वाली सिमरन तो हूँ नहीं, जो ये जानते हुए भी कि मैं गलत नहीं हूँ आपके हर फैसले को सही समझ बैठूं। अब एक तरफ सिमरन है और दूसरी तरफ पूजा, दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी है, कि माँ के गुजरने के बाद दोनों को माँ का प्यार देने की भरपूर कोशिश की, पर देखो एक आग निकली और दूसरी पानी। फिर सिमरन कहाँ गई इसका पता तो पुरुषोत्तम जी को भी नहीं था। और ये जितेंद्र राणा जो तुम बता रहे हो, ये नाम तो मैंने पुरुषोत्तम जी के मुंह से भी कभी नहीं सुना। ज्ञान जी, अगर पुलिस ने इन तीनों को समय रहते धर नहीं लिया ना तो बम के धमाके सुनाई देंगे, क्योंकि सिमरन अब बम बनाने लगी। मतलब आतंकी नक्सली वगैरह बन गई है क्या वो? इस तरह की तबाही ना मचे इसीलिए पुलिस जल्द से जल्द इन तीनों को पकड़ना चाहती है। तो अगर आपके पास सिमरन, उसके प्रेमी सचिन वर्मा या जितेंद्र राणा के बारे में कोई भी खबर है तो हमें बताइए। हमारी पहली ब्रेक थ्रू खबर वर्तमान की नहीं थी, बल्कि सचिन वर्मा और सिमरन आर्य के अतीत की, जो हमें वर्तमान में उन तक पहुंचने में मदद करने वाली थी। 444-786-543 ये सचिन के दोस्त सुबोध दास का नंबर है। कौन है ये सुबोध दास? सुबोध दास सचिन का दोस्त था, पहले इसी गांव में रहता था, फिर दिल्ली चला गया। जब मैंने सचिन के बारे में पता करने की कोशिश की तब सामने आया कि 2009 में सचिन सिमरन को लेकर भागा था, तब दिल्ली में सुबोध दास के ही यहाँ था वो। सुबोध का फोन चालू है सर, दिल्ली की लोकेशन शो कर रहा है। घोसला फोन मत करना, चुपचाप दिल्ली जाओ और उठाओ उसे।
सचिन वर्मा, सिमरन आर्या और जितेंद्र राणा, इनके बारे में छोटी सी छोटी डिटेल की बाल की खाल करो, पूरे कुरेद कर निकालो। इनके बारे में कोई भी खबर मिलेगा तो लाखों से कम नहीं। सर, ऑल द बेस्ट। सर, ना तो जितेंद्र राणा की फैमिली, ना सचिन वर्मा की फैमिली, और ना ही सिमरन के पिता के वहाँ देव बनी से कोई भी इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है कि बॉम्ब बनाने का मटेरियल किसने दिया होगा उन्हें। खबरों का क्या कहना है? बारूद पर कोई खबर नहीं है सर। जसवंत सिंह के मर्डर पर? उस पर भी कुछ नहीं। प्रॉपर्टी एंगल, नितिन और अर्चना, इन दोनों में से जसवंत सिंह ने किसी एक को फेवर किया? दोनों भाई बहन के बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट निकल कर ही नहीं आता। सिमरन की बहन पूजा? हरिद्वार पुलिस के कॉल का इंतजार है अभी तक। परमजीत, किसी भी सूरत में कहीं पर भी कोई बम नहीं फूटना चाहिए। पता नहीं ये सचिन वर्मा, सिमरन आ रहे और जितेंद्र राणा एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं। बम का मकसद क्या? बस ये दिल्ली वाला सुबोध हमें कुछ सुराग दे दे इस बारे में। जी, तुम सुबोध दास हो? जी, मैं ही हूँ, आपकी तारीफ। तुमको चलना है हमारे साथ? किस खुशी में, आप लोग हैं कौन? अरे, अरे क्या, 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 क्या रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? पुलिस सोमपुर भटिंडा से। सर, ये सचिन वर्मा है, ये सिमरन आर्या, इन दोनों को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं जानता सर। और ये सिमरन के दो बच्चे भी थे उसके साथ में, लगभग 7-8 साल पहले 2009 में मेरे पास आए थे दिल्ली, मैंने उनकी मदद भी की थी। अपने दोस्त सचिन वर्मा को फोन लगा और पता कर इस वक्त वो कहाँ पर है। अरे सर, क्या 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 कर रहे हो सर, मैं सच बोल रहा हूँ, 2009 से 2012 तक ये सचिन और सिमरन मेरे पास ही रहते यहाँ दिल्ली में, फिर उसके बाद अचानक गायब हो गए, फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सचिन ने किसी सुरेश जिंदल को ठोक दिया है, फिर उसके बाद ना मैं उससे मिला हूँ और ना ही मैंने कभी उसे फोन किया। हाँ, 2009 में मैंने उसकी मदद की थी। अनिरुद्ध, इसको एक दो दो। अरे सचिन, एक मिनट आना, तुझसे कुछ बात करनी है। अनीता भाभी को छोड़ के आ गया, इसके लिए, दो बच्चों की माँ है ये। तो औरत नहीं है? अब मैं प्यार करता हूँ उससे। और अपनी बेटी शिल्पा से? उससे प्यार नहीं करता? अब मेरी जिंदगी सब सिमरन के साथ है, हमारा प्यार कुछ अलग है यार, तू नहीं समझेगा। समझाने की कोशिश भी मत करना, तू मेरा दोस्त है, मेरी मदद करेगा, दिल्ली में काम दिलवाएगा। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरी एक फैक्ट्री में पहचान थी, वहीं सुपरवाइजर की नौकरी दिलवाई सचिन को, घर भी दिलवाया। अभी 6 महीने पूरे ही हुए थे कि मैनेजर से झगड़ कर सचिन ने नौकरी छोड़ दी, और फिर उसने एक अलग ही रास्ता चुना। सचिन, तेरी वजह से मेरा भी रिलेशन खराब हो गया उस मैनेजर से। नौकरी में कोई ऐसे अकड़ दिखाता है क्या यार? ले चाहे मैनेजर के बच्चों को दो पैसे की तमीज नहीं बात करने की। साले को पता नहीं है कि अपने सराहीगंज में उसके जैसे 3-3 बंदों को अपने यहाँ नौकरी पर रखता था मैं। पहली बात तो ये कि अपना सराहीगंज नहीं है, दिल्ली है, हैं? और दूसरे, नौकरी की गरज तुझे थी, और फिर फैक्ट्री में तो सभी गाली खाते हैं यार। नौकरी है, किसी के बाप की जागीर थोड़ना है। सुबोध, तुझे बाप पे नहीं जाना चाहिए था। अब देखता जा, जागीर तुम अपनी खुद की बना के रहूंगा। अरे सचिन सुन, मेरा मतलब, अरे सुन भाई, मुझे तभी भी लगता था कि सचिन ने अपनी पत्नी अनीता को छोड़कर सही नहीं किया है, और ना ही सिमरन ने अपने पति को छोड़कर, लेकिन वो दोनों अपना घोंसला बना रहे थे। उन दोनों में प्यार तो था, सिमरन सचिन का बहुत ख्याल रखती थी, और जब सचिन ने नौकरी छोड़ी थी तो सिमरन ने उसे बहुत डांटा था। नौकरियां अमरूद की तरह पेड़ से तो नहीं लटकती ना सचिन, अब घर कैसे चलाएंगे हम? नौकरी का मतलब ही होता है अपने अहंकार को एक तरफ रखना। ठीक कह रही है सिमरन, ये दिल्ली है, तेरी अकड़ नहीं चलेगी यहाँ पर। एक भी बार मुझसे नहीं पूछा, मजाक समझ के रखा। बस सिमरन, मैं लेके आया हूँ ना तुम्हें यहाँ, मैंने लिए ना हम चारों की जिम्मेदारी, तो बस मैं सब देख लूंगा। पर कैसे होगा सचिन? मैं मैनेजर से बात करूंगा, मैं बोलूंगा कि माफ कर दे एक बारी। कोई जरूरत नहीं है, मैं मनोज भारती के साथ काम करने वाला हूँ। अब ये मनोज भारती कौन है? क्रिमिनल है। वाह, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अब तुम चोरी डकैती करोगे? तुम फल खाओ पेड़ मत। मैं चोरी का पैसा छूंगी भी नहीं, समझे? अरे घर में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। चोरी चोरी ही होती है, वो कैसी भी हो, जो हमने की है अपने जमीर के साथ, अपने पुराने रिश्तों के साथ, अब कोई मायने नहीं रखता कि पैसा कैसे आए। और हाँ, तुम्हारे हाथ में जो पैसे रखूंगा ना, वो सही होंगे। सर, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। इस मनोज भारती के साथ सचिन भी जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया, और शुरुआत चोरियों से की। इतने सारे रुपए सचिन? 20,000, सिर्फ एक रात की कमाई।
सिमरन अगर महीने में 5 रातें ऐसे काम किया ना तो बाकी 25 दिन आराम कर सकता हूँ और तुझे प्यार कर सकता हूँ। और जितना मैंने देखा मेरी समझ में आया कि सिमरन को भी ये चोरी का पैसा बड़ी आसानी से हजम होने लगा। तू जुर्म कबूल मत करना, ठीक है? बाकी की जो बात है वो बड़े साहब को मैं पटा लूंगा। क्या करेगा बड़े साहब को हिस्सा देगा? 2-4 बार लॉकअप की हवा तो खा ले, फिर खुद ब खुद समझ जाएगा कि हमारी लाइन में लॉकअप की सैर किसी बिजनेस टूर से कम नहीं है। और फिर सचिन के बिजनेस टूर लगातार होने लगे, वो खुद गिनती भी भूल गया होगा कि कितनी बार अंदर बाहर हुआ होगा। ये मनोज भारती किसी जमाने में सचिन के ही स्टेशनरी की दुकान पर लुखों की तरह बैठा रहता था दिन भर सराहीगंज में, या दिल्ली में आके क्रिमिनल बन गया और बाद में देखिए इसी सचिन का गुरु बन गया। तुझे सचिन का पता नहीं मालूम, पर इस मनोज का पता तो जरूर होगा ना? देखिए मैं सचिन से भी सिर्फ इसलिए दूर हुआ था क्योंकि मैं क्रिमिनल लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, पर ये मनोज तो उसका भी बाप था, मैं उसका पता क्यों रखूंगा भला? ये सिमरन अपने एक दोस्त के घर पे सूटकेस में एक बॉम्ब छोड़कर चली गई थी। बॉम्ब? वो फटने वाला? हाँ वही बॉम्ब। और उसके कुछ दिन बाद सचिन और सिमरन ने सोमपुर में जसवंत सिंह का मर्डर कर दिया, जिसके दामाद जितेंद्र राणा के साथ सिमरन भागी थी जब ये सचिन जिंदल मर्डर केस में अंदर हुआ था। जितेंद्र राणा? सर ये नाम मेरे लिए बिल्कुल नया है, लेकिन वो बॉम्ब वाली क्या बात कर रहे थे आप? कैसा बॉम्ब था वो? बारूद से भरा बॉम्ब था, दिवाली के पटाखों वाला बारूद। पटाखों वाला बॉम्ब? सर ये सचिन का एक दोस्त हुआ करता था। हाँ जगदेव सिंह नाम था उसका, दिल्ली से बाहर यहीं नरेला में उसकी पटाखों की फैक्ट्री है, वो सचिन का जिगरी दोस्त हुआ करता था। उठाओ जगदेव को, इससे हमें कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। बिल्कुल सर, जगदेव के घर का एड्रेस मिला है और हरिद्वार में सिमरन की बहन पूजा के पता चल गया, परमजीत उसे अपने साथ लेकर आ रही है। आखिरी बार मैं सिमरन दीदी से देवबनी में मिली थी जब वो सचिन जेल गया था। दीदी अनिकेत और अनिरुद्ध को लेके पापा जी के घर आई थी रहने। हम आपकी दीदी सिमरन को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो है क्या। हम भी कहां समझ पाए सर, कभी नहीं समझ पाए, ना पापा जी ना मैं। दीदी क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, ये तो वो भी नहीं बता पाती थी। सिमरन दीदी आपने ना अपने हाथों से अपना घोंसला जला दिया है और अब आप आग से खेल रही हो। एक क्रिमिनल के साथ कुछ सोचा नहीं क्या? दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं पूजा, एक सोच सोच कर कुछ ना करने वाले और एक बिना कुछ सोचे बहुत कुछ कर जाने वाले। अनिरुद्ध और अनिकेत के बारे में भी नहीं सोचा ना? आपकी सोच की कीमत आपके बेटे क्यों भरे? वो मेरी दुनिया है पूजा, तुम देखना उन्हें मुझसे कई बेहतर जिंदगी मिलेगी। आपको कौन सी बुरी जिंदगी मिली थी? आप अपनी मर्जी के मालिक थी। और दीदी कभी कभी ना हमें, कभी कभी क्यों, मेरी मर्जी मेरी आजादी हमेशा के लिए होनी चाहिए ना। दीदी ये आजादी की बातें कॉलेज में ठीक लगती थी और तब भी आपने अपनी आजादी को खूब निचोड़ा है। कुछ गलत किया मैंने, गला काटा किसी का, कत्ल कर दिया। आप कत्ल के इल्जाम से बाल बाल बची हो, भूल गई? हाँ भूल गई, जो चीज मजे नहीं दे भुला दो, फिर वो कोई याद हो या कोई प्रेमी। एक और नया सचिन फांस लिया क्या आपने? ऑब्जेक्शन, शब्दों का प्रयोग नोट करो मेरे लॉर्ड। फांसना मतलब अपने दिल की सुनो, किसी से सच्चा प्यार करूं तो वो फांसना हो गया। आप कितनों से सच्चा प्यार करोगे? तू अपने पति से सच्चा प्यार करती है? हाँ बिल्कुल। एक पल के लिए भी तुझे कोई दूसरा मर्द नहीं भाता? दिल नहीं आता उस पर, मन नहीं करता उसके साथ एक हो जाने का? देख अब ये सती सावित्री वाला भाषण तो ना दे, एक जवान जीती जाती औरत बनकर जवाब दे। दी ख्याल ना कई किस्म के आते हैं लेकिन उन पर अमल करना ये एक अलग बात है, और इंसान और जानवर में फर्क है ना। इंसान इंसान में भी फर्क होता है पूजा, मुझे लक्ष्मण नहीं भाया, मैं सचिन के साथ चली गई। अब सचिन जेल गया हुआ है तो कोई और आ जाएगा। मैं खुली किताब हूँ पूजा, जो पसंद आया उसके साथ चली गई। क्या आप चाहोगी कि अनिरुद्ध और अनिकेत भी ऐसे ही सोचे, ऐसे ही बने? नहीं, उन्हें मेरी सारी अच्छाइयां मिले, बुराइयां कभी नहीं। देखो अनिरुद्ध और अनिकेत को ना एक बाप की जरूरत है जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराए, जो लक्ष्मण जीजा जी है वो सचिन नहीं, फिर अब हो भी नहीं सकता, वो जेल में बैठा हुआ है। दीदी आपको भी ना एक आदमी की जरूरत है, एक पति की। तू फिक्र मत कर पूजा, उसका इंतजाम हो चुका है। सिमरन दीदी का इंतजाम जितेंद्र राणा था या कोई और मुझे नहीं पता। पूजा हमारा सिमरन तक जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है, तुम बता सकती हो वो कहाँ हो सकती है? मैडम मैंने हरिद्वार पुलिस को जो बताया उससे ज्यादा क्या बताऊं, आप मुझे बेकार में ही यहाँ ले आए, क्या फायदा हुआ? देखिए फायदे का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपकी बहन सिमरन और उसके साथी सचिन ने बम ब्लास्ट किया ना
तो नुकसान हिसाब के बाहर होगा। सर, दीदी ने मेरे पापा जी के, लक्ष्मण जीजा जी और पता नहीं कितनों के जीवन में इतने बॉम्ब फोड़े हैं कि ये असली बॉम्ब वाला आइडिया मुझे वाहियात लगता है। लेकिन फिर लगता है कि हो सकता है, दीदी की दुनिया में बिल्कुल हो सकता है। जी, GS5 बॉक्स वाले जगदेव सिंह का घर है। मैं उसकी माँ हूँ। बुलाइयो ना। बेटा, उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। 2 साल पहले जगदेव का देहांत हो गया था। सचिन जगदेव का अच्छा दोस्त था, आना जाना रहता था कभी कभार। माँ जी, आप कह रही थी कि जगदेव 2016 में चल बसा, तो फिर तब से फैक्ट्री कौन चला रहा है? बंद है बेटा, कौन चलाएगा? जगदेव 33 साल का था, जहाँ तुम बैठे हो ना बेटा, एक दिन रोटी खाते खाते हार्ट अटैक आया। और अच्छा माँ जी, जब जगदेव जिंदा था तो क्या सचिन ने उसकी फैक्ट्री से कोई माल लिया था 2 साल पहले? पता नहीं बेटा, लेकिन यही कोई 1.5-2 महीने पहले फैक्ट्री की चाबी मांगने आया था। माँ जी, मुझे कुछ पटाखे चाहिए थे, अगर फैक्ट्री से मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। 2 साल से फैक्ट्री बंद है, पटाखे और फैक्ट्री का क्या हाल है पता नहीं। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ, आप चाबी देंगे? सर, कड़ियाँ जुड़ रही हैं, जरूर इस सचिन ने जगदेव की फैक्ट्री से वो पटाखों वाला बारूद उठाया होगा बॉम्ब बनाने के लिए। 2 कत्ल कर चुका है जोड़ा, अब बॉम्ब से क्या करने चले थे? और जितेंद्र राणा, उसका सब में क्या रोल रहा होगा? सर, कभी कभी तो मुझे सचिन और सिमरन, बंटी और बबली जैसी कोई क्रिमिनल जोड़ी लगती है, जो शायद बिना मतलब के ऐसे ही मजे के लिए क्राइम करती है। पर सुरेश जेंद्र के कत्ल की वजह थी, 61 साल के जसवंत सिंह के कत्ल की भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, जो अभी हमारे सामने नहीं है। लेकिन जितेंद्र राणा का इस सब में क्या रोल है? बम क्यों बनाया गया? कौन है इनका अगला टारगेट? सर, जितेंद्र राणा मिल गया है। कहाँ? लोकेशन तो अभी नहीं पता सर, पर उसने अपनी पत्नी अर्चना को कॉन्टैक्ट किया और अर्चना ने मुझे फोन करके बताया। हेलो अर्चना, मैं बोल रहा हूँ। जितेंद्र? कैसी अर्चना? प्रतिमा और ज्योति कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हो तुम? हाँ, कहाँ हो तुम? मैं कहीं का नहीं रहा अर्चना, बुरा फंसा हूँ। तो मेरे बाऊजी को क्यों मरवाया तुमने जितेंद्र? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने उन्हें नहीं मरवाया अर्चना, और अगर मेरा नाम उठ रहा है तो मुझे बुरा फंसाया जा रहा है। तो तुम भाग क्यों रहे हो? सामने आके पुलिस को सब कुछ बता क्यों नहीं देते? मुझे डर लग रहा है अर्चना। पुलिस पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही है जितेंद्र, मेरे बाऊजी का मर्डर करने के लिए और उस सिमरन और सचिन के साथ मिलकर बॉम्ब बनाने के लिए। बॉम्ब? सिमरन मुझे बर्बाद करने पे तुली है। जैसे तुमने हमें बर्बाद किया। कसम से अर्चना, ना ही मैंने बाऊजी को मारा है, ना ही कोई बॉम्ब बनाया है। ये सब बातें जाकर पुलिस को बताओ। मुझे बताओ तुम, बताओ हो का तुम, बताओ जितेंद्र क्यों भाग रहे हो, क्यों छुप रहे हो तुम? सर, अर्चना कह रही थी कि जितेंद्र सरेंडर करने को रेडी हो गया है। पर वो है कहाँ? ये तो उसने अर्चना को बताया नहीं, और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। इस अर्चना को सर्विलेंस पे रखो। हमें पता है कि जितेंद्र ने अर्चना को ठुकराया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि अर्चना जितेंद्र के साथ मिलकर कोई साजिश नहीं रच सकती। मनोज भारती, आप कौन? वकील हो? मैं तो जल्लाद हूँ, लोगों को फांसी पर लटकाता हूँ मैं। चलो बता दे, ये सचिन वर्मा कहाँ है? अरे वो अपना सराईगंज वाला सचिन साहब, वो तो उम्र कैद में अंदर था ना, जेल तोड़ के भाग गया क्या या पेरोल तोड़ के? मनोज, वो इस वक्त कहाँ है बता दे, वरना तुझे तोड़ेंगे और इस केस से भी जोड़ेंगे, समझा? जितेंद्र ने खुद आकर सरेंडर किया। जितेंद्र वाकई में सरेंडर कर रहा था या इसमें भी कोई चाल थी, ये तय कर पाना मुश्किल था। पर जितेंद्र ने अपना पक्ष पेश किया, अपनी कहानी सुनाई। मेरी देवबानी नितंकला हाईवे के पास एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान थी, जहाँ तूने सचिन वर्मा के साथ मिलकर बम बनाया। सर, मैं किसी सचिन वर्मा को नहीं जानता, और ना ही मैंने कोई बॉम्ब बनाया है। जलेबी बनाना शुरू कर दिया? चल बना, तेरी जलेबी तो हम सीधी करेंगे। बोल। सर, मैं एक मामूली सी हार्डवेयर की दुकान चला रहा था, और वहीं पर मुझे सिमरन मिली, जिसके साथ तू भाग गया और लौटकर तूने अपने ससुर जसवंत सिंह का मर्डर करवाया। जी नहीं मैडम, मुझे तो इस मर्डर और बॉम्ब के केस में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। सर,
मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं सिमरन के प्यार में पड़ गया था और भाग गया था उसके साथ अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर। लेकिन मुझे सिमरन के बारे में सिर्फ उतना ही पता है जितना सिमरन ने मुझे बताया। 3 साल उसके साथ रहने के बाद तो मैं यही कहूंगा कि मैं बिल्कुल भी उसको नहीं जान पाया। सिमरन में एक कशिश थी, एक खिंचाव था, कुछ ऐसी बात थी जो मुझे मजबूर कर रही थी उसे पकड़े रखने के लिए, उसे सारी तकलीफों से बचाने के लिए। सिमरन के बारे में मैं यही सोचता कि एक ऐसी खास हद से ज्यादा हसीन औरत है जिसको सारी दुनिया ने गलत समझा। गलत क्या उसके साथ? मेरा पति लक्ष्मण मुझे और मेरे बच्चों को बीच मझधार में छोड़कर चला गया। कोई चारा नहीं था मेरे पास, इसलिए बाबा के घर लौटी, लेकिन वहां भी बोझ समझी जा रही हूँ। सिमरन, तुम किसी भी सूरत में किसी पर बोझ नहीं बन सकती। अरे तुमने तो मुश्किलों के बोझ से लड़कर जिंदगी जी है। नहीं जितेंद्र, सारी दुनिया मुझे बोझ समझती है, कोई मुझे नहीं अपनाता सच्चे दिल से, कोई नहीं चाहता कि मैं उस... सिमरन, ये सच नहीं है। कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हें ना चाहे। मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम हमेशा के लिए मेरा साथ नहीं दे सकते, नहीं बन सकते हमेशा के लिए मेरे। फिर मैं तुम्हारी कैसे बनूं? मुझे झांसे में ले लिया था सिमरन ने, मैं अपने होश ही खो बैठा था। सिमरन ने तुम्हारी दूध की बोतल में नशे की गोली मिला दी होगी, है ना? आप नहीं जानती मैडम सिमरन को। सिमरन ऐसी बला है ना, अगर वो चाहे तो आपको भी अपनी बातों और अदाओं के जाल के लपेटे में ले सकती है, किसी को भी ले सकती है। मैं भी उसके प्यार में पागल हो गया था और उसके साथ सोने के बाद तो मतलब गुलामी हो गया था उसका। लेकिन सर, मैं अपने बीवी और बच्चों से भी उतना ही प्यार करता था और उनको छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सिमरन ने अपनी अदाओं से मेरी सारी सोच की धज्जियां उड़ा दी। मैंने कहा था ना, तुम हमेशा के लिए मेरा साथ नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है सिमरन, लेकिन मैं अपनी बेटियों को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी दुनिया है। मैं तुम्हारे लिए मेरी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और मेरी दुनिया भी मेरे बच्चे ही हैं। अगर मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ तो तुम भी उतने ही कदम आगे क्यों नहीं आ सकते? ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, पर वो मुझ पर थोपे गए थे और तुम पर भी तुम्हारे बच्चे समाज ने थोपे हैं। जिते देखो, हम पहले इंसान हैं, मर्द और औरत। क्या हमें हमारी जिंदगी, हमारी जवानी को पूरी तरह चखने का हक नहीं? क्या जी भर के एक दूसरे को सुकून देना इतना बड़ा पाप है? मेरे दुख, मेरे प्यार को पूरी तरह समझो जितें, मैं इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हें भी तैयार होना चाहिए ना। मेरे साथ मत छोड़ो, फिर अकेली हो जाऊंगी, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना जितें, मर जाऊंगी। फिर मैंने वो कदम उठाया जो हर तरीके से गलत था। मैंने अपनी बीवी अर्चना और बच्चों को छोड़ दिया और सिमरन के साथ चला गया। और दिल्ली में सिमरन ने हमारी ऐसी गृहस्थी बसाई मानो वो वहीं पली बड़ी हो। सिमरन जो कुछ भी करती उसमें कोई जादुई ताकत होती, उसके हाथ के खाने का स्वाद भी अलग होता और वो घर को खुशियों से भर देती। और जब जब मुझे अपनी बेटियों की याद आती मानो किसी जादुई शक्ति से उसे पता चल जाता और मुझे अपनी तरफ खींच लेती, जैसे कोई अजगर लपेटे में ले लेता है। 3 साल तक सिमरन के साथ उसके पति की तरह रहा, लेकिन एक दिन एक बार भी अपने बीवी बच्चों से फोन पे बात नहीं की। और इतने समय में मुझे सिमरन के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम कहाँ थे इसके बारे में तुम्हारे ससुर जसवंत सिंह को कैसे पता चला? इसलिए मार डाला सचिन वर्मा के साथ मिलकर? मैंने उन्हें नहीं मारा है सर। हाँ, उन्होंने मुझे पकड़ जरूर लिया था और वो मुझसे बहुत गुस्सा थे। जमाए बाबू। बाबूजी, आप झूठ बोल रहे हैं। बाबूजी, तुम झूठ जी रहे हो जितेंद्र। पिछले 3 सालों से उल्लू बने हुए तो सिमरन कोई दुखियारी औरत नहीं है। अपने एक प्रेमी सचिन वर्मा के साथ एक हत्या में शामिल थी वो। जरा सोचो कितनी खतरनाक औरत है वो। सचिन वर्मा जेल गया ना
तब तुम्हें फंसाया उसने, तुम्हें उसका पति लक्ष्मण ने नहीं छोड़ा उसे, सचिन वर्मा के साथ भागी थी वो लक्ष्मण को छोड़ के, और जब तुम्हारे साथ भागना था सिमरन को, तब उस बेचारे लक्ष्मण को बुला के बच्चे थमा दिए उसे। ये नहीं हो सकता। तुम बुरी तरह फंस गए उसके झूठ के जाल में। देखो बेटा, मेरी बेटी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी मत करो, वो माँ है तुम्हारे बच्चों की और बच्चे तड़प रहे हैं तुम्हारे बगैर। मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन सिमरन को सचिन वर्मा जैसा कोई दूसरा गुंडा या तुम्हारे जैसा कोई बेवकूफ जितेंद्र मिल गया ना, वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी उसके साथ, फिर तड़पने की बारी होगी तुम्हारी। सर, मेरे ससुर जसवंत सिंह जी की बातें सच्ची निकली और मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। दिमाग ठिकाने पे आ गया मेरा और मैंने सिमरन को छोड़ दिया। सर, तो सिमरन ने तुम्हारे ससुर जसवंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया तुम्हारे भाग जाने के लिए, इसलिए खत्म कर दिया उन्हें। सर, मुझे नहीं मालूम कि सिमरन ने मेरे ससुर जी को मारा या नहीं मारा, और अगर मारा है तो क्यों मारा। दरअसल सिमरन जान से मारने की धमकी तो मुझे दे रही थी। तो मुझे छोड़ रहे हो जितेंद्र, पागल हो गए हो क्या? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता हूँ। सुनो, मैं सब समझा दूंगी, तुम पहले घर आ जा। मेरे ससुर जी ने जो बताया वो काफी नहीं था क्या? नहीं जानू, उनका अपना स्वार्थ है तुम्हें झूठ बोलने का। सुनो ना, तुम एक बार घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। नहीं सिमरन, मैं उस घर में अब फिर कभी नहीं लौटूंगा, और ये फोन मैंने सिर्फ इतना बताने के लिए किया है कि मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। नहीं जितेंद्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते जितेंद्र। मैं ऐसा कर चुका हूँ, मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। चुप चुप, तुम ऐसा कह भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते जितेंद्र कि तुम मुझे छोड़ोगे। मुझे छोड़कर तुम जी नहीं पाओगे जितेंद्र। तो समझ गए होगे ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, समझे ना, नहीं सोच सकते। सिमरन को कोई छोड़ नहीं सकता। उस दिन से मैं छुप रहा हूँ और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वाले लॉजेस में रह रहा हूँ। और सर, मेरे ससुर जी ने भी कहा मुझे छुपा रहने के लिए, क्योंकि ये सिमरन कुछ भी कर सकती है। सिमरन ने एक छोटी सी धमकी दे दी और तुमने मान ली। नहीं मैडम, दरअसल मैं जान गया था कि सचिन वर्मा जेल से छूट गया है और दिल्ली आया हुआ है, और वो सिमरन से भी मिला है। मैं बहुत डर गया था सर, और फिर मुझे पता चला कि मेरे ससुर जी का कत्ल हो गया। सर, अब तो मुझे लगता है कि सिमरन मेरा ही कत्ल करने आई होगी। सर, कोई गारंटी नहीं है कि जितेंद्र सच बोल रहा हो। रखते हैं इसे कस्टडी में। और ये सिमरन आ रहा, काफी शातिर खिलाड़ी लगती है। साइको भी हो सकती है सर, एक बार हाथ लगे तो पता चले जितेंद्र सच बोल रहा है या झूठ। हाँ समीर। सर, एक खुशखबरी है, इस मनोज को खूब पीसा तब जाकर सचिन का ठिकाना मिला और उसे धर लिया। इस वक्त कहाँ है सचिन वर्मा? मेरी टीम ने उसे ऋषिकेश से अरेस्ट किया, ऑन द वे है, यहाँ से सीधे आपकी कस्टडी में भेजा हूँ। आखिरकार जसवंत सिंह मर्डर केस और बम वाले केस की बीच की कड़ी सामने आई। इस साजिश में क्या सही हुआ था और क्या गलत, अब सारा कुछ हमारे सामने आ गया। दरअसल सिमरन जो करने चली थी, असल में पागलपन के कगार पर थी वो हरकत। मुझे सजा मिलते ही तुमने दूसरा आदमी कर लिया है? तो क्या करती, जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करती? सिमरन, उम्र कैद सिर्फ 14 साल की होती है और ऐसे ऐसे कटते हैं दिन। रातें नहीं ना निकलती हूँ। ओहो, अब समझा क्या मतलब होता है कि सुख के सब साथी और दुख में मिले न कोई। तुम्हारे भाई विपिन की मौत का दुख तुम्हारा निजी दुख था, फिर भी मैंने साथ दिया तुम्हारा, आई बदला लेने, अपनी जान जोखिम में डालते हुए आई। लेकिन तुमने बेवकूफी की सचिन, सूरज जिंदल को मार के वहीं खड़े रह गए अपनी शक्ल दिखाने। छोड़ो, देखो सचिन, हमारे बीच जो था जब तक था बढ़िया था, लेकिन अब मेरी लाइफ किसी और के साथ सेट हो गई और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसमें दखल नहीं दोगे। पैरोल पर हो, मुद्दत खत्म होते ही फिर से अंदर, ऐसे आदमी का मैं क्या करूंगी और ऐसे आदमी को मुझसे क्या मिलेगा। यहाँ सिमरन मेरे पास वापस आने के लिए मना कर रही थी, और उधर उसका वो सबसे नया बकरा जितेंद्र राणा टाटा गुड बाय बोल के निकल गया। बम किस लिए बना? जसवंत सिंह को क्यों मारा? बम जितेंद्र राणा को उड़ाने के लिए बनाया था।
उसने जैसे सिमरन को छोड़ा, सिमरन ने वापस मुझे फोन किया। मैंने सोचा नेकी और पूछ, और मैं फिर से पागलों के जैसे उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन करे तो जितेंद्र का सारा घर उड़ा दो बम से, तबाह कर दो उसका सब कुछ। बस उसे दोबारा हिम्मत नहीं करनी चाहिए ये कहने की कि वो मुझे छोड़ रहा है। मुझे बदला तो इसलिए बुलाया था मुझे है? मुझे तो लगा था कि हम दोनों फिर से साथ। सुरेश जिंदल से बदला लेने में तुम्हारा साथ दिया था ना सचिन, अब तुम्हारी बारी है, उसके बाद मैं पर तुम्हारी। क्या तू सच में इस जितेंद्र राणा को उड़ाना चाहती है? मैं हर चीज सच में ही करती हूँ सचिन। तूने जितेंद्र राणा को मारने के लिए सच में बॉम्ब बनाया? हाँ बनाया, बॉम्ब बनाया। सिमरन ने मेरा साथ दिया था तो मैंने सिमरन का दिया। और बॉम्ब को सिमरन के दोस्त सूरज के घर छुपाया? सिमरन ने रखा था, हमें तो बस इतना पक्का करना था कि वो जितेंद्र राणा अपने घर को कब आता है। मैंने कई दिन तक जितेंद्र के घर पर नजर रखी। यार सिमरन तेरे जिगर का छल्ला, जितेंद्र घर पर आता ही नहीं, कई दिनों से इसके घर पर नजर रखी है। जितेंद्र की बीवी अर्चना से बात करो, कैसे भी अर्चना से उसके बाप जसवंत सिंह का नंबर निकलवाओ, जरूर उसे पता होगा। जसवंत सिंह से हम जितेंद्र का पता निकालेंगे और फिर बॉम्ब पर बिठा के उसके चिथड़े उड़ा देंगे। दूसरे दिन मैंने आखिरी बार जितेंद्र के घर पर नजर घुमाई और फिर मैं दीपक काबरा बन के अर्चना के घर पर गया और वहां से वो जसवंत का नंबर लिया। और फिर सिमरन ने जसवंत सिंह को वश में किया। सिमरन में एक अजीब सी शक्ति है ऐसे कामों के लिए, अब उसे काम शक्ति बोलो या कोई और। क्या मेरी बात जसवंत सिंह जी से हो रही है? हाँ जी, आप कौन? सिमरन आर्य, नाम तो सुना ही होगा। क्या काम है तेरे को? इतना रूखापन जसवंत जी, मुझसे एक बार मिलेंगे नहीं? क्यों मिलूं मैं तुझसे? क्योंकि मैं हद से ज्यादा खूबसूरत हूँ। लेकिन मैं जितेंद्र जितना बेवकूफ नहीं हूँ ना। एक बार मिलिए तो, वादा करती हूँ काटूंगी नहीं। बकवास बंद कर अपनी, देख जितेंद्र तेरा कभी नहीं होने वाला। छोड़िए ना जितेंद्र को, मुझे आपके हाथ लगने दीजिए। मुझे छूते ही अगर आपने आहें नहीं भरी ना तो नाम बदल दूंगी। जिस तरह सिमरन जसवंत से बात कर रही थी, मैं वहीं जान गया था कि बुड्ढा उसके अदा पर फिदा होने लगा है। लेकिन जब जसवंत ने उसी रात सिमरन को कुएं वाले खेत पर जो मकान बना था वहां पर बुलाया तो थोड़ा ताजुब हुआ मुझे। मैंने पूरा मुआयना किया कुएं वाले खेत पर जो घर था, पता चला कि जसवंत के साथ उसका मुलाजिम दिनेश मौर्य, उससे भी निपटना होगा। तो फिर मैं वो ले गया था, वो कोल्ड ड्रिंक, नींद की गोलियां भरकर। हमारा प्लान सिर्फ लेकिन इतना था कि जसवंत से किसी भी तरीके से जितेंद्र का घर का पता और नंबर निकलवाने का। साहब मुझे जरा भी भनक नहीं थी कि वो ये जो सिमरन है वो जसवंत का मर्डर का प्लान बना था। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। अभी आपने देखा ही क्या है, जादू तो अभी शुरू हो रहा है। ये क्या? तड़प की अपनी अलग कशिश होती है। अब जितेंद्र गया है भाड़ में, तुम्हें जब भी यहां आना होगा आ जाया करो, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दूंगा। ऐसा है ना जसवंत जी, मेरी जरूरतें मैं खुद पूरी कर लेती हूँ, और जब मेरी कोई जरूरत में दखल देता है मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरी सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त जितेंद्र है। जितेंद्र तो अब तुम्हें मिलने से रहा, मेरे पास आ जाएगा तो मजे करेंगे। मैं मजे का सौदा नहीं करती, ना ही अपने प्यार का, ना बदन का, और ना ही अपने गुरूर का। और ये सभी तब तक दाव पर है जब तक जितेंद्र मेरे हाथ नहीं लग जाता। एड्रेस और नंबर बता दे, वही लेने आई हूँ और कुछ नहीं। ये क्या किया तूने? खड़ूस अकड़ रहा था,
जितेंद्र को उकसाने वाला भी यही था। मैंने इससे जितेंद्र का नया नंबर और एड्रेस मांगा तो मना कर दिया, इसलिए मैंने इसको परमानेंट एड्रेस पे भेज दिया। पागल है तू सिमरन, इतना गुस्सा, एक पिद्दी सा आदमी तुझे छोड़कर चला गया और तू? आदमी जैसा भी हो, मैं पिद्दी नहीं हूं सचिन। कोई मर्द मुझे कभी छोड़ नहीं सकता, कभी नहीं, वो हक मैं उसे कभी देती ही नहीं। मैं तो सिर्फ साथ दे रहा था सिमरन का। साथ दिया किसी के घर बम छुपाने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए? मैं सच में बोलो साहब, मुझे एक भी नहीं पता था कि उसका ऐसा कुछ इरादा है। सबके साथ खुद जितेंद्र को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि सिमरन गुस्से में इस हद तक जा सकती है। जसवंत का परिवार अब भी मानने को तैयार ही नहीं है कि जसवंत सिंह वाकई में सिमरन की अदाओं का दीवाना हो गया था, जैसे जितेंद्र हुआ था, और उन्हीं अदाओं ने जान भी ले ली जसवंत की। जसवंत सिंह के कत्ल की सारी कड़ियां अब हमारे हाथ में थी, लेकिन ये केस तब तक क्लोज नहीं हो सकता था जब तक रहस्यमय सिमरन आर्या हमारे हाथ नहीं लगती। सिमरन अपने बच्चों से मिलने सराहीगंज आई थी। हमारे खबरियों ने तुरंत हमें आगाह कर दिया। सचिन ने जो जो बोला आप लोगों से सब सच है। मैंने ही जसवंत सिंह को मारा, मैंने ही सचिन से बॉम्ब बनवाया, और वो बॉम्ब बना था जितेंद्र और उसके परिवार को उड़ाने के लिए। अब बोलोगे भी तुम लोग, कहाँ है जितेंद्र? क्या करोगे जानकर, अब तुम बाहर नहीं जाओगे, जिंदगी भर जेल में रहोगे। ओके, कोई नहीं, तो फिर एड्रेस बता दो, मैं अपना काम कराती हूँ, फिर खुद सरेंडर कर दूंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे जेल से। प्रॉब्लम हमें है तुम्हारे कत्ल करने से सिमरन। और जितेंद्र ने जो मेरे वजूद का कत्ल किया उसका क्या? क्या वो जुर्म नहीं है? हाँ, वो बाहर आराम से घूमेगा और मैं यहाँ जेल में सड़ूंगी। एक अकेली अबला औरत के साथ यही सुलूक करोगे ना तुम लोग? ओ मैडम, हमें बख्शो अपनी इस नौटंकी से, इस जेल में तुम्हारी ये झांसे वाली दाल किसी सूरत में नहीं गलेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी जमानत ना हो। वैसे हम जानते हैं तुम अदालत में ही अपने बच्चों वाला दुखड़ा जरूर रोगी जज के सामने। देखो इंस्पेक्टर, मुझसे बात कर रहे हैं ना आप, मुझ तक ही रहिए, मेरे बच्चों को बीच में मत लाना। बच्चों को बीच में तुम्हें लाना चाहिए था। ये जो जो कांड तुमने किए हैं ना, वो कांड करने से पहले अगर एक बार भी अपने बच्चों के बारे में सोच लेती ना, तो आज तुम यहां नहीं होती, अपने घर पर होती अपने बच्चों के साथ। अरे जो जो बोलना है बाद में बोलना। सचिन को सुरेश जिंदल मर्डर केस में मिली उम्र कैद की सजा काटने के लिए फिर जेल भेजा गया। उस पर अब और नए चार्जेस भी लागू हुए हैं। जितेंद्र ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे ठुकराया, मुझे छोड़ा, मुझे छोड़ने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, मुझे कोई छोड़ नहीं सकता। जितेंद्र और उसका परिवार अब सुरक्षित है, अगर सिमरन की जमानत होती भी है तब भी वो उन तक नहीं पहुंच पाएगी। सिमरन एक विचित्र पहेली है। केस फाइल क्लोज होने तक हमें सिर्फ इतना समझ आया था कि जितेंद्र को उसे छोड़ना, वो रिजेक्शन सिमरन को रास नहीं आया। रिश्तों के मामलों में अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता कि कौन सा रिश्ता झांसा है, कौन सा रिश्ता कितने खतरे से भरा है। एक इंसान दूसरे इंसान से रिश्ता जोड़ते वक्त हर पहलू को माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर नहीं देखता, ना ही देख सकता, पर आंखें मूंद कर रिश्ता जोड़ना भी ठीक नहीं। सच कहा जाए तो हर इंसान जाने अनजाने में हमेशा सबसे पहले अपना ही हित देखता है, फिर आप उसे स्वार्थ कहें या एक निजी फैसला। सामने वाले का जवाबी कदम इस रिश्ते के अनुभव को या तो यादगार बनाता है या फिर भयंकर। इस केस से जुड़े सभी के संदर्भ में दुर्भाग्यवश ये एक विनाशकारी हादसा रहा। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।